नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज में दिया गया कोविड 19 का प्रशिक्षण। जी हां, गाजीपुर से कोविड 19 की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रित किए जाने के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया प्रशिक्षण गाजीपुर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सभागार में दिनांक 4 अप्रैल 2020 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक संस्था के समस्त शिक्षकों व चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुष भारत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कोविड 19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के जानकारी के संबंध में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। उक्त कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य कुमार डॉक्टर अवधेश प्रताप पूर्वी, सर नरेंद्र सिंह सिंगर, प्रोफेसर डीपी सिंह उर्फ राहुल श्रीवास्तव, रामाशीष यादव, अतुल श्रीवास्तव, रीडर अवधेश प्रताप सिंह, आरएमओ डॉक्टर अनुपमा राय, शिक्षा अधिकारी सहित समस्त चिकित्सा शिक्षक, शिक्षक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ उपस्थित रहे। सर, आज जो है दिनांक 4/4/2020 को जो है ये आयुष मंत्रालय द्वारा जो है पूरे देश में आयुष मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज और जितनी आयुष चिकित्सक है और ये डिस्पेंसरी है, तो ख़ास तौर से आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है आयुष मंत्रालय की तरफ से, ये ओनली जो है मेडिकल आयुष मेडिकल से संबंधित जितने टीचर्स हैं उनके लिए और ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि आगे अगर स्थितियाँ और होती हैं तो इसके लिए सभी लोग प्रिपेयर रहे, चाहे लोग। सर, आज के डेट में सर हमारे हिंदुस्तान में कोरोना जैसी महामारी चरम सीमा पर चल रही है और गाजीपुर में भी 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सर, गाजीपुर के नागरिक के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गाजीपुर के नागरिक के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट के रूल को जो है फॉलो करें, क्वारंटाइन रहें और बाकी जो है सैनिटाइज हो, बराबर जो है अपने आप को जो है सैनिटाइज से दूरी बना कर रखें 1-2 मीटर आपस में, कहीं भी गैदरिंग ना करें, कहीं भी इकट्ठे ना हो और बाकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करें। और तो वो पैर में भी इसकी कोई तो मेडिसिन आई है क्या? वो पैर में अभी तो चल रहा है, इस पर भी जो है ट्रायल चल रही है, तो इसकी ट्रायल चल रहा है प्रिवेंटिव के रूप में और जो है देखा जा रहा है, क्योंकि ये तो अभी नई केसेस है